नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा, जैसे इसके अंदर होने वाले कारण, किस कारण से ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, दूसरा इसमें क्या लक्षण मिलते हैं और इससे क्या गंभीर रोग हमको मिलते हैं, साथ ही इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, साथ में क्या हम आहार लें जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको आज बैड कोलेस्ट्रॉल की पूरी जानकारी प्राप्त हो। आइए अब हम जानते हैं इसके कारण, किन कारणों से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो सबसे पहला कारण आता है अनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटरी भी कहते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन जैसे तंबाकू, सिगरेट आदि द्रव्यों का सेवन, जंक फूड यानी मिलावटी खाना, बाहर का खाना, इनका ज्यादा सेवन करना, शारीरिक व्यायाम का ना करना, इन सब कारणों से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा लक्षण, क्या लक्षण इसमें हमको मिलते हैं, जैसे सांस फूल जाना, थोड़ा सा भी व्यायाम करने पर शरीर में थकावट महसूस होना, पैरों में दर्द होना, ये कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिसके कारण हमको बैड कोलेस्ट्रॉल का शरीर में होने का पता चलता है। या इससे बहुत गंभीर रोग भी देखने में आते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, लिवर डिसऑर्डर, डायबिटीज, ऐसे संभावित विकार होने की संभावना रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल को मुख्यतः दो रूप में आप समझ सकते हैं, एक HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये शरीर के लिए आवश्यक है, दूसरा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा बढ़ने से शरीर में गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का उपचार, इसमें खास तौर पर आपको कुछ 14 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। पहला, धनिया पाउडर, इसमें रात में भिगो दे धनिया पाउडर को और उसको सुबह उठ के खाली पेट पी लें। दूसरा, आंवला, चुकंदर और संतरा, इसका जूस का सेवन करें। तीसरा पॉइंट, प्याज का रस लेना है 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद, इसका सेवन करना है। चौथा, इसके अंदर आप नारियल पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। पांचवा, चोकर युक्त आटा और उसमें ओट्स का सेवन करना है। छठवा पॉइंट, इसमें आप बादाम, अखरोट और अलसी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट्स, लहसुन का प्रयोग करना है। आठवां पॉइंट्स, दालचीनी का प्रयोग करना है। नौवां पॉइंट, वेजिटेरियन लोग ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक आदि आती हैं, इनका सेवन करें, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो मछली का सेवन भी कर सकते हैं। दसवां पॉइंट, तेल खास तौर पर इसमें पूछा जाता है और कई रोगियों ने हमसे पूछा भी है पहले भी कि इसमें तेल कौन सा प्रयोग करना चाहिए, तो जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। 11वां पॉइंट, इसमें आप अर्जुन की छाल का प्रयोग करें। 12वां पॉइंट, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। 13वां पॉइंट, इसमें आप जीरे युक्त पानी और एलोवेरा का गूदा, इसका प्रयोग करें। 14वां पॉइंट, हल्दी वाला दूध, जिसमें आप 2 चुटकी हल्दी लेकर दूध में मिला लें और इसको पिए। इस प्रकार हमने आपको ये जो 14 पॉइंट्स बताए हैं, ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही कारगर होगा। अब हम जानते हैं सावधानियां, ये 5 सावधानियां आपके लिए बहुत ही कारगर होंगी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सबसे पहली सावधानी, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको पानी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और साथ में अगर गुनगुना पानी का सेवन करते हैं फायदेमंद रहेगा। दूसरी सावधानी, जो लोग दिन में सोना पसंद करते हैं वो दिवा स्वप्न कहलाता है और उसको बंद कर देना चाहिए। साथ ही एक्सरसाइज के लिए अपना समय निकालें, सुबह और शाम दोनों टाइम आप एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरे नंबर का पॉइंट, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है। चौथा, एक ही कंपनी का ऑयल बार बार प्रयोग नहीं करना है, या फिर कुछ लोग एक ही तेल में बार बार कुछ तलते हैं उसका सेवन करना हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट,
बाहर का जंक फूड का सेवन नहीं करना है। आपको 14 घरेलू उपाय और 5 सावधानी आपको बताई हैं। अगर आप इनको अपनाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही कारगर होगा, इसलिए आप इसका प्रयोग जरूर से करें जिससे आप अपने अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। आप रूटीन ब्लड टेस्ट कराएं और अपने पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं जिससे वो आपको विशेष परामर्श दे सकें, और इसमें कई औषधियां होती हैं जो दी जा सकती हैं, वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। जय आयुर्वेद।